ठीक है ना। सेंसर कौन है हमारे? कब को अभी कब कैसे करती है, करता है सेंस यहाँ पर इस एक्चुएटर पूरी चीज हमारी होगी सेंसर। फिर ऐसे जोर था तो उसमें वही बता के ये चलो देगा पंप, ठीक है ना, इसी पंप से पानी आ जाएगा सुबह से। अब फिर ऐसे तो उनने एक इनोवेशन की, तो वो सारी चीज़ें उनने समावार में इनकॉर्पोरेट की। तो जो ही हम इसके सामने कप ले जाते हैं ये खुद ब खुद चाय डालता है। एंड दूसरी चीज़, इसमें एक थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल कंट्रोल इन्होंने डाला। जो ही चाय उबलने वाली होगी इसका ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है एंड इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, हीट टेम्परेचर कम हो जाता है एंड चाय बिल्कुल भी गिरती नहीं है, उन सारे हैवक से हम बचते हैं। तो ये इनोवेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक इनोवेशन कल्चर, एक इनोवेटिव कल्चर हम समाज में डेवलप कर रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा मकसद है। पहले ज़माने में बहुत ही अहमियत दी जाती थी समावार को, तो आज अहमियत नहीं दी जाती है ज़्यादा समावार को। तो हमने समावार के बारे में डिस्कस किया हम 6 फ्रेंड्स ने, कैशुअलिटीज़ के स्टूडेंट्स ने थोड़ा डिस्कस किया इसके बारे में। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके इस समावार में थोड़ी सी एडवांसमेंट्स लाए। तो हमने फिर इसमें एडवांसमेंट्स लाई जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो सकता हमारे घरों में। तो फिर हमने इसमें सेंसर्स यूज़ करे जिसकी वजह से जब हम समावार के आगे कप ले जाते हैं तो वो खुद ब खुद चाय डालती है कप में। और हमने इसमें थर्मल कंट्रोल यूज़ करा जिसकी वजह से जब चाय उबलती है तो ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट्स लाए। फिर हमने इसमें एडवांसमेंट्स लाई जिसकी वजह से अब हम इस समावार को फिर से यूज़ कर